ये फंक्शन उन सेल्स की तादाद को काउंट करता है जिन सेल्स में नंबर इस्तेमाल किए गए हों। सेल्स के अलावा इसके आर्गुमेंट में भी नंबर दे सकते हैं। इसके आर्गुमेंट में सेल्स या सेल्स की रेंज का रेफरेंस या नंबर्स आते हैं जिन्हें हम काउंट करना चाहते हैं। इसके बाद ये नंबर्स पर मुश्तमिल सेल्स की तादाद को काउंट करके रिटर्न करता है। इसकी मिसाल देखते हैं कि हमारे पास ये एक अपने कुछ टेबल के अंदर मुख्तलिफ नंबर, टेक्स्ट और डेट वगैरह लिखी है और इसको ब्लैंक भी छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको काउंट कर रहे हैं और इसका फार्मूला लिखा है। यहाँ पे हमने इसको काउंट फंक्शन दिया। काउंट के बाद A1 से A8 तक हमने इसकी रेफरेंस इसका दे दिया है। इसको इंटर करा तो इसने हमें 5 रिटर्न करा। 5 एक ये सेल, 2, 3, 4 और ये डेट जो है ये भी इसने नंबर के तौर पर ली है, तो ये फाइव इसने हमें काउंट करके दिया है। इसने ये टेक्स्ट एप लिखा हुआ इसको काउंट नहीं किया। इसी तरह ये भी टेक्स्ट डी इसको काउंट नहीं किया और ये ब्लैंक सेल है इसको भी इसने काउंट नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह हम इसको डायरेक्टली भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे काउंट हमने करा और काउंट के बाद 3, 5, 6, 4, 1, 3, 1 हमने इसको ये नंबर दे दिए हैं तो इसने हमें 8 रिटर्न कर दिया है। हालांकि यहाँ पे हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, बीच में सिर्फ कोमा लगाया है, लेकिन इसने इसको भी नंबर के तौर पर शुमार किया और वैल्यू 8 जो है वो हमें रिटर्न कर दी है।